नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ Mentor में। दोस्तों हम जैसा कि आप जानते हैं, हम सीटेट के प्रैक्टिस सेशन को लेकर के आ गए हैं। आज बारी है सीटेट प्रैक्टिस सेशन में थर्ड की, जिसमें हम सुपर 60 यानी कि टॉप 60 क्वेश्चन लेकर के हम आप सबके लिए हाजिर हैं, जिसका सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हर उस क्वेश्चन को, हर चुनिंदे क्वेश्चन को जो आपके प्रश्न पत्र में कुछ कंफर्म है, आना ही आना है। 110% पॉसिबिलिटीज़ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वरना 95%, जी हाँ दोस्तों 95% चांसेस है क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए जरा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? चार ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है आधा, आधा का प्रतिलोम होता है, या फिर न्यूनतम, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या फिर तीसरा, आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितने दूध का प्रयोग करेंगे, चौथा है योग घटाओ का विलोम होता है। योग घटाओ का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य है ये जो दोस्तों है चार ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही बैठता है, क्योंकि इसमें जो ये जो प्रश्न है ये चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित किया करता है। इसमें बालक सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि योग जो है वो घटाओ का प्रतिलोम है या विलोम है, जिसको हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्त सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अधिगम क्या है? चार ऑप्शन है इसमें भी। पहला है जो कुछ हम जानते हैं वह सब किया हुआ अधिगम है, या फिर दूसरा को ऑप्शन व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, तीसरा है प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, चौथा है विशिष्ट आयु तक या फिर स्तर तक सीमित है। तो दूसरे का जो ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड वाला आपका सही होता है, व्यवहार ज्ञान और कौशल का तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, क्या है, अधिगम है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है थर्ड, कि कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतिकरण या अभ्यांतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है, और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको पढ़ाया था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों को आपने वीडियो देखी होगी। आप जानते हैं ये जो बाह्य दंड पुरस्कार पे जो नियंत्रित होता है, ये होता है पूर्व परंपरागत अवस्था हुआ करती है हमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या कहता है, बालक की विवेचना यानी कि तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का यह अवस्था कहलाती है। चार ऑप्शन है दोस्तों, मैंने इसमें भी आपके लिए वीडियो बनाई है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अगर आप उसको वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आंसर झट से आप बता देंगे। इसका सीधे सीधे आंसर बन रहा है पूर्व क्रियात्मक काल। चार ऑप्शन थे, संवेदीगामक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक और औपचारिक क्रियात्मक, जिसका सही आंसर बनता है हमारा पूर्व क्रियात्मक काल बोला करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो अवस्था बोल सकते हैं तो इसकी अवस्था होती है 2 से लगभग 7 वर्ष की अवस्था हुआ करती है। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? चार ऑप्शन है, व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन करना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, या फिर विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाता है, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। देन बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें। छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? पहला है चिंतन की प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, दूसरा है चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण है यानी कि प्रक्रिया है, तीसरा कहता है चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है यानी सेट है, चौथा कहता है चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो जाहिर सी बात है इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, कि चिंतन के विषय में जो गलत है, क्या गलत है, चिंतन और भाषा असंबंधित है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके हिसाब से ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? चार है,
ऑप्शन तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। तो दोस्तों इनमें से आप जानते हैं कि तत्परता का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया है, बहुअनुक्रिया का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया है, प्रभाव का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया है। जो नहीं दिया है निम्न में से वो है अभ्यास का नियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाता है। देन आठवें पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां की तरफ अगर हम आए, कहता है निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, व्यवहारिक कौशल में नहीं सुझाई गई, बाकी गणितीय कौशल, अंतर्व्यक्तिक कौशल और संगीत कौशल तीनों में ये चीज़ें पाई जाती है। देन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से, एक मिनट दोस्तों माफ कीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से अधिगम को कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, पूछ रहा है नहीं है तो नहीं मतलब इसमें से क्या है, समस्या आधारित बिल्कुल है, अन्वेषण खोज ये भी है, निर्देशन अन्वेषण ये भी है, चौथा है प्रदर्शन, प्रदर्शन आपका नहीं है, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित प्रदर्शन नहीं हुआ करता है। दिन क्वेश्चन नंबर टेंथ हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, दुश्चिंता बिल्कुल उदाहरण है, आकांक्षा स्तर उदाहरण है, उपलब्धि की आवश्यकता उदाहरण है, प्रशंसा उदाहरण नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है वो आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, बहुबुद्धि यानी मन में फ्रेम ढांचे के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर, ईएल थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिने या फिर जेपी गिलफोर्ड। तो इसके जो प्रतिपादक हैं या प्रवर्तक हैं वो हार्वर्ड गार्डनर ही हैं। देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की तरफ अगर हम बढ़ें आगे, कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पहला है यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, सही है बिल्कुल, इसमें विद्यार्थियों की सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही है, फिर इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, ये दोस्तों ये जो है ये कथन आपका गलत होता है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ अगर हम जाएं, तो थर्टीन क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम व्यूह रचना या सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है, पहला और चार ऑप्शन इसमें भी विद्यार्थियों के लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना या फिर विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना, चौथा कहता है विद्यार्थियों को अध्य व्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाता है कि शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, दिन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14th में अगर हम लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर 14th हमारा क्या कहता है कि एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक किया जाए या पृथक किया गया है, प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भेषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरे हो जाती है, या साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल दिया करती है। तो इसका ऑप्शन चार ऑप्शन इसमें भी दोस्तों दिया हुआ है, पहला है वातावरणीय, दूसरा है अंतः क्रियावादी, तीसरा जैविकी, चौथा है व्यवहारिक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होता है अंतः क्रियावादी, यानी कि यह साक्ष्य भाषा विकास के अंतः क्रियावादी पक्ष को बल देता है। दिन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 15th क्वेश्चन की तरफ, कहता है बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। तो अधिकतम प्रभावी की बात की गई है, तो ये है प्राधिकारिक, इसमें सही ऑप्शन होता है, बाकी लापरवाह नहीं है, अधिक प्रभावी कृपालु भी नहीं है, अधिनायकवादी ये भी नहीं है। तो आपका थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड सही होता है। देन 16th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक या फिर निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है, चार ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, समूह परिचर्चना, फिर दूसरा मापदंड, संदर्भित परीक्षण, चौथा है वार्तालाप, जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है वार्तालाप। देन बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 17th क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
चार ऑप्शन है, संकलित यानी योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, यानी संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होता है, संकलित यानी आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाता है। देन 18th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, कहता है अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। चार ऑप्शन है, चार तरीके से परिभाषित की गई है, सही हमको सेलेक्ट करना है। पहला क्या कह रहा है, यह बाह्य है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है। दूसरा, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। थर्ड कहता है यह वाह है और संवेगिक विक्षोभ से होती है। चौथा है यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका होता है सेकंड वाला, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। देन बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 19th क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। विकास के संबंध में पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें भी देख रहे हैं आप चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, या यह अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की तरफ, 20th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी यानी कंस्ट्रक्टिविटिस्ट उपागम की विशेषता है। चार ऑप्शन है, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, थर्ड अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, चौथा अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही जाता है, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इट इज सेइंग समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। चार ऑप्शन है, कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए, या फिर विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो ऑप्शन नंबर टू होता है, अधिकांश समय के लिए इज अ राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चौमास्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है, इसको कहते हैं। पहला है भाषा अनुकूलन श्रेणी, दूसरा भाषा अर्जन साधन, या भाषा स्वीकार्य इच्छा भाषा अर्जन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा अर्जन साधन इज क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज सेइंग, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 23rd इज सेइंग, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है, उर्जित पृथक निर्दिष्ट सतत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि पृथक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर पर है। चार ऑप्शन है, समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम। तो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1, समस्या समाधान अधिगम। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, इट इज सेइंग, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है। चार ऑप्शन है, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, सेकंड आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, थर्ड इज भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, चौथा उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 26 इज सेइंग कि एक बालक जो किसी एक विशेषता या लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न महत्व को बल देता है। क्या है, अनुवांशिकी को, वातावरण को, अनुवांशिकी और वातावरण को, परिपक्वता को यानी मैच्योरिटी को। तो इसका सही आंसर होगा अनुवांशिकी को यानी हेरिडिटी को। देन क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है देखते हैं, विकास के पक्ष
क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? चार ऑप्शन इसमें भी है, पृथकता से, आंशिकता से, है ना, यादृच्छिकता से, समग्रता या साकल्यता से। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो है समग्रता और साकल्यता से, यानी संपूर्णता से। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार यह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से कराना संभव हो कहलाता है? निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, या फिर आसन्न विकास क्षेत्र, या फिर अंतःव्यक्तिक निष्ठा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, आसन्न विकास क्षेत्र। देन क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? चार ऑप्शन है, कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है, सेकंड, संवेग जीव को स्थायी अवस्था है, संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, फोर्थ है, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। देन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन है, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण का करना, या फिर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। ऑप्शन नंबर 30 में जो सही ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। दोस्तों ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जिसका सोर्स था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हम उठाएंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट में आना ही आना है। तो चलिए अब उन 30 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चार ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, सेकंड, क्या कहता है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, थर्ड, कहता है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, चौथा, कहता है पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होता है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित किया करती है? चार ऑप्शन इसमें भी है, कहता है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, या फिर वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के सामग्री बच्चों की पहुँच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चले, थर्ड, कहता है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे समय प्राप्त किए जा सके, चौथा, क्या करता है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाले कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त के लिए खोला जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होता है कि वह कक्षा जिसमें खाली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे समय प्राप्त किया जा सके। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, माफ़ कीजिएगा, थर्ड थोड़ा सा हिडन हो गया है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, या फिर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क NCERT 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद, मानवतावाद, या फिर रचनावाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से इसने प्राप्त की अपनी समझ को। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, चार ऑप्शन है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं या नियमित उपस्थित या नियमित स्कूल आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि वो अध्यापक से क्या करते हैं, प्रश्न पूछा करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन लिया करते हैं। देन बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? चार ऑप्शन है, शिक्षक को
वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए। दूसरा कहता है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तीसरा कहता है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। चौथा कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने मदद करनी चाहिए। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। चार ऑप्शन है, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए और शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला, बच्चों को अपनी कक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड कहता है विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। थर्ड कहता है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। चौथा कहता है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू सही होगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर टू आपका एकदम राइट आंसर है। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देन बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9th हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पहला है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ठीक। दूसरा कहता है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तीसरा कहता है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चौथा कहता है निरंतर अभ्यास से अधिगम हुआ करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड वाला, विकास गुणात्मक चरणों में हुआ करता है। देन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th जो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। देन ऑप्शन नंबर 11th क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 डैश के अलावा निम्नलिखित चरणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चार ऑप्शन है, वे नए कौशल हासिल कर सकते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दूसरा, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तीसरा, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। चौथा, वह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। चार ऑप्शन है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, सही जवाब क्या है, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका चार ऑप्शन इसमें भी है, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। दूसरा क्या कहता है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तीसरा कहता है थीमेटिक इकाइयां या थीमेटिक यूनिट्स, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, इन सब से होता है। चौथा क्या कहता है, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता का समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना। इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। देन क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम लोग जाएं तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों कि प्रगति शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, चार ऑप्शन है, जीवन एक सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं,
चौथा क्या कहता है, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चौथा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें भी क्या कहता है, जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, चौथा कहता है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से प्रतिबिंबित करे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। देखिए 15th क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 15th हम लोग देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगात्मक के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। चार ऑप्शन है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, दूसरा कहता है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण क्रियाएँ प्रक्रियाएँ हैं। फोर्थ क्या कहता है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 17th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, चार ऑप्शन दिया है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, थर्ड में आमतौर माने गए हैं कि पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, चौथा कहता है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो 17th का आपका थर्ड वाला सही होता है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। देन 18th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 18th क्या कहता है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, पहला क्या है ट्यूशन, दूसरा मीडिया, तीसरा समाजीकरण, चौथा है संस्कृति। तो इसमें से जो ट्यूशन है, ट्यूशन इज द राइट आंसर। देन 19th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कहता है कि मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह एक है कि डैश, चार ऑप्शन है, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, सेकंड कहता है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, तीसरा कहता है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, चौथा कहता है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर टू सही होगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे पक्षपाती हैं। देन अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 20 पे, 20 क्या कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, पहला है, चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, दूसरा बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, तीसरा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, चौथा पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखें, तो 21 क्या कहता है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, पहला है ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, दूसरा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, तीसरा बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, चौथा क्या कहता है आवाधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में यूज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। देन क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है यह बच्चों को धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, दूसरा है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, तीसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, चौथा है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है,
बच्चों में प्रगतिशीलता के कारण हो सकती है। क्या हो सकती है? चार ऑप्शन है, एक अनुशासित दिनचर्या, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, तीसरा कहता है एक संसाधन या समृद्ध वातावरण, और चौथा कहता है सफल माता और पिता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हुआ करती है। देन क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आते हैं। 24 हमारा क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, चार ऑप्शन है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो और चौथा क्या कह रहा है, उनकी भाषा का उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होता है वो सही हो जाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। देन 25th क्वेश्चन पे अगर हम लोग आएँ, 25th कहता क्या है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, चार ऑप्शन, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, दूसरा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, तीसरा कहता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, चौथा कहता है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका एकदम सही हो जाता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 26 की तरफ। 26 हमारा क्या कह रहा है देखिए ज़रा, 26 कह रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। चार ऑप्शन है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, दूसरा एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तीसरा क्या कहता है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, चौथा क्या कहता है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो ये क्या कहता है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है क्योंकि पूछा गया उपयुक्त तरीका नहीं है, तो पहला वाला तरीका नहीं है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी होते हैं, डिसलेक्सिक्स होते हैं, विकलांग होते हैं या सृजनात्मक हुआ करते हैं। तो इसका और राइट आंसर 4th हो जाएगा, सृजनात्मक जो बालक होते हैं। देन बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा शिक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन कर सकता है। चार ऑप्शन है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, दूसरा किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, तीसरा कहता है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, चौथा कहता है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। देन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, 29th क्वेश्चन की तरफ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, उत्तेजना, स्मृति, डर या फिर ध्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डर, ये क्या है एक तरीके का संवेग है। देन लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो हमारा ठीक तरीके से देखा जाए तो हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, कोई दूध का बूथ है वहाँ पे दूध का उत्पादन हो रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। पहला है बच्चों का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, दूसरा बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, तीसरा क्या है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है, चौथा क्या कह रहा है बच्चों या फिर बच्चे ने गायों को कभी देखा ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होता है। जब बालक कोई छोटा दूध मिल के डेयरी शॉप पे जाता है, वहाँ से जब दूध खरीदता है तो उसका जो अनुभव होता है उसी अनुभव को ही वो क्या करता है, अनुभव पे ही उसका आधारित रहता है। बात समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ये होगी टॉप 60 क्वेश्चन हमारे सीटेट के, जो आपके क्वेश्चन पेपर के दृष्टि से कोण से, आपके प्रश्न के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप एस्टेट दे रहे हो, चाहे आप दे रहे हो DSSB आप दे रहे हो, चाहे आप KVS दे रहे हो,
चाहे आप NVS दे रहे हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उन टीचिंग एग्ज़ाम, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। ये कई सालों का एक निचोड़ है क्वेश्चन पेपर का, जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ बने रहें। तब तक अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।